स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट, तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, बारिश से बड़ी ठंड, चार जिलों के लिए येलो अलर्ट। रायपुर में आज भी बादल छाए रहने के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, GPM जिले समेत अमरकंटक क्षेत्र में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही थी, साथ ही राजधानी रायपुर में भी सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई है। GPM जिले में दिन का तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चार जिलों कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली और बेमेतरा के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन जिलों के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पश्चिमी चक्रवात के कारण हो रहा है। इसका ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखने को मिल सकता है। 29 नवंबर यानी बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मंत्री अमरजीत भगत बने अभिनेता, छत्तीसगढ़ी फिल्म में शहीद वीर नारायण सिंह के किरदार में आएंगे नजर। रायपुर में चल रही शूटिंग, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अब अभिनेता बनेंगे। विधानसभा चुनाव की व्यस्तता खत्म होने के बाद वे एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं। फिल्म में वे शहीद वीर नारायण सिंह की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म गुरु बालदास पर आधारित है और इसका नाम बलिदानी राजा गुरु बालदास है। फिल्म की शूटिंग रायपुर के आसपास के इलाकों में की जा रही है। भगत ने 2 साल पहले फिल्म साइन की थी, लेकिन वे समय नहीं दे पा रहे थे। अमरजीत भगत ने फिल्म में शूटिंग करीब 2 साल पहले शुरू की थी, उस समय कुछ शूटिंग उन्होंने की थी, इसके बाद वे समय नहीं दे पा रहे थे। फिल्म का निर्माण निर्माता JR सोनी कर रहे हैं, ये जल्द ही रिलीज होगी। सीतापुर विधानसभा सीट से अमरजीत 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं। वे हर बार यहां से चुनाव जीते हैं। इस बार भाजपा के रामकुमार टोप्पो से कड़ी टक्कर मिली है। भगत को इस बार कई जगह लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। फिल्म की कहानी 1818 से 1860 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित है। इसमें गुरु बालदास और वीर नारायण सिंह की दोस्ती और आंदोलन में उनकी भूमिका की कहानी है। गुरु बालदास की भूमिका ओम त्रिपाठी निभा रहे हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु बालदास और शहीद वीर नारायण सिंह गहरे मित्र थे। वीर नारायण सिंह को 1857 में फांसी दी गई थी। उसके करीब 3 साल बाद गुरु बालदास की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले फिल्म का टीजर भी लॉन्च किया गया था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, भाई को अगवा कर मार डाला, तालाब में फेंकी लाश, बिलासपुर में जमीन विवाद में हत्या, दोस्तों के साथ लाठी डंडों से पीट पीट कर ली जान। बिलासपुर में जमीन विवाद में युवक ने अपने साथियों के साथ सौतेले भाई को अगवा कर लिया, फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर लाश को तालाब में फेंक दिया। सोमवार को गांव वालों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम चितावर में रहने वाले चमरू बिंजवार की ग्राम गिरधौना में जमीन है। उसकी पहली पत्नी के बेटे गिरधौना में रहते हैं। बेटा संतोष जमीन बंटवारे के लिए आए दिन विवाद करता था। इसके कारण चमरू अपनी दूसरी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर चितावर में रहने लगा। चमरू ने पुलिस को बताया कि रविवार को उनका मंझला बेटा कार्तिक सामान खरीदने के लिए गिरधौना जाने के लिए निकल रहा था, तभी संतोष उसके घर आया। इस दौरान उसके साथ अन्य लोग भी थे, जिन्होंने कार्तिक से मारपीट की और उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। चमरू के मुताबिक देर रात तक कार्तिक गांव नहीं लौटा। इस पर वे गांव में पूछताछ करने लगे। इसी दौरान गांव के बीरू जायसवाल ने बताया कि कुछ लोग कार्तिक से मारपीट कर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए हैं। इस पर चमरू अपने छोटे बेटे चुरावन को लेकर कार्तिक को खोजने निकला। चितावर गांव में लोगों ने बताया कि उसकी बाइक और घड़ी मिली। गांव के लोगों ने बताया कि उनके सौतेले बेटे संतोष, तीजराम और अन्य लोगों ने कार्तिक से मारपीट की थी। उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई। इधर सोमवार की सुबह कार्तिक की लाश तालाब में मिली, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने संतोष बिंजवार, तीजराम बिंजवार, शिव प्रसाद और ओम प्रकाश बिंजवार को गिरफ्तार की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मतदान पेटियों की सुरक्षा बढ़ाने की उठी मांग, भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त कार्यालय भवन कलेक्टर परिसर पहुंचकर निर्वाचन ARO सत्येंद्र पैकरा को विधानसभा निर्वाचन में बैलेट पेपर से हुए मतदान और उसकी सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव में ड्यूटी और आवश्यक सेवा में नियुक्त किए गए शासकीय कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की गई थी। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और विकलांग मतदाताओं के लिए भी बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस के पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रसित कुछ अधिकारियों कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप किया है। इस स्थिति में इन मतपत्रों में लगाए गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाकर और सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि इन मतपत्रों को ट्रेजरी के स्थान पर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था की जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मरीन ड्राइव के पास निसान XL कार में लगी आग, देखें वीडियो। रायपुर, राजधानी के मरीन ड्राइव के सामने पार्किंग में खड़ी निसान XL कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार लगभग 70% जल गई है। बोनट पूरा जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट स्पार्क होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा कि गाड़ी में बैठे दो बच्चे सहित अन्य लोग सुरक्षित हैं। आग लगते ही गाड़ी में बैठे लोग तेजी से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। डायल 112 के ड्राइवर ने महिला से की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला से डायल 112 के ड्राइवर ने हवस का शिकार बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक चोरी की शिकायत पर आरोपी ड्राइवर महिला के घर गया था। इस दौरान महिला का मोबाइल नंबर लेकर दोस्ती की, फिर शादी करने का वादा कर महिला से दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादीशुदा महिला से शादी करने से मना किया तो पीड़िता ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने को लेकर सरकार अलर्ट। CM बघेल ने अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कुछ दिनों से चीन में अज्ञात बीमारी से बच्चों में श्वसन संबंधी रोग फैलने की रिपोर्टों के मद्देनजर राज्य के शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों एवं निजी चिकित्सालयों में उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई एडवाइजरी के अनुरूप जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार उक्त श्वसन संबंधी रोग के भारत में फैलने की संभावना नहीं है, किंतु आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधन, बेड, जांच सुविधा एवं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन हेल्थ फैसिलिटी का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालयों से इन्फ्लुएंजा के प्रकरणों को रिपोर्टिंग पोर्टल में कराते हुए स्थिति की नियमित समीक्षा करने को कहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, फिंगेश्वर पुलिस ने मांगे 1 लाख, किसान ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा केस रफादफा करने बनाया दबाव, पत्नी बोली थाने में पीटा गया। महासमुंद के लाफिंगला गांव में एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों के सामने पढ़कर सुनाया। सुसाइड नोट में फिंगेश्वर पुलिस पर चोरी के मामले को रफादफा करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग करने का जिक्र है। इसके अलावा 20,000 अलग से देने को कहा गया। राजाराम निषाद 42 वर्ष की लाश रविवार सुबह पेड़ पर लटकी मिली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना महासमुंद पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और जेब की तलाशी ली तो ये सुसाइड नोट मिला था। राजाराम की पत्नी सावित्री निषाद ने बताया कि पति का जब से चोरी के केस में नाम आया, तब से वो परेशान रहने लगा था। उसके मुताबिक सरपंच सहित गांव के मुखिया 1 सप्ताह पहले फिंगेश्वर थाना गए थे। उस दिन पुलिस राजाराम को थाने के अंदर ले गई और पूछताछ के बाद उसकी जमकर पिटाई की थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। 20 नवंबर 2023 को फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम लचकेरा निवासी दशरथ सिन्हा के घर चोरी हुई थी। दशरथ सिन्हा के बेटे ने शक के आधार पर राजाराम निषाद का नाम लिया था। फिर फिंगेश्वर थाने के हेड कांस्टेबल दिलेश्वर बघेल ने राजाराम को थाने चलने को कहा। लाफिंगला के सरपंच पति सहित गाँव के 10-12 मुखिया और लचकेरा के सरपंच उदय निषाद थाना पहुंचे। आरोप है कि राजाराम को थाने के अंदर ले जाकर पूछताछ के बहाने जमकर पीटा गया। फिंगेश्वर पुलिस बिना FIR दर्ज चोरी के केस में सौदेबाजी करने लगी और राजाराम निषाद से 1 लाख रुपए मांगी गई।
महासमुंद सिटी कोतवाली प्रभारी नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजाराम ने चोरी की थी। बाहरी समझौते के तौर पर पीड़ित को 20,000 रुपए देना था। इसके पहले आत्महत्या कर ली। वहीं फिंगेश्वर थाना प्रभारी जितेंद्र विजयवार ने 1,00,000 रुपए मांगने और चोरी की रकम 20,000 अलग देने वाले आरोप पर पल्ला झाड़ लिया। उनके मुताबिक मामले में अभी कोई FIR दर्ज नहीं है। मंजुलता बाज SDOP महासमुंद के मुताबिक मामले सुसाइड नोट में फिंगेश्वर पुलिस का जिक्र है। जांच के बाद ही असल वजह सामने आएंगे। राजाराम निषाद के पीछे उसकी पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया है। ग्रामीणों के अनुसार राजाराम के पास 4 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें खेती किसानी किया करता था। इसके अलावा मछली पालन के लिए गांव का तालाब ठेके पर ले रखा था। नदी भी ठेके पर लिया था, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसके बावजूद चोरी का आरोप ग्रामीणों के गले नहीं उतर रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महिला डॉक्टर को मितानिन ने जड़ दिया थप्पड़। प्रसव कक्ष में वीडियो बनाए जाने पर हुआ विवाद। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। इस कृत्य को किसी और ने नहीं बल्कि विभाग से जुड़ी मितानिन ने अंजाम दी है। दरअसल मितानिन गर्भवती महिला को लेकर प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी। प्रसव के थोड़ी ही देर बाद वो सीधे प्रसव कक्ष के भीतर जा पहुंची। वहीं किसी बात से खफा मितानिन ने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसे डॉक्टर ने मना किया तो आग बबूला हो गई और मारपीट की। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है, जिस पर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम खुदुरमाल में रहने वाली गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, जिसे लेकर गांव की मितानिन प्रसव कराने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। इस दौरान ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला को प्रसव कक्ष में दाखिल कर लिया, जहां कुछ समय बाद महिला चिकित्सक के देखरेख में प्रसूता ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दी। महिला चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी प्रसव कक्ष में जच्चा बच्चा का निरीक्षण में लगे हुए थे। इस बीच मितानिन भी सीधे लेबर रूम के भीतर पहुंच गई, जहां वो किसी बात को लेकर नाराज हो गई। उसने नाराजगी में अपने मोबाइल से प्रसव कक्ष के भीतर ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिला चिकित्सक ने मितानिन जैसे पद पर कार्य करने वाली महिला के इस करतूत पर एतराज जताई और वीडियो बनाने से मना किया। ये बात मितानिन को नागवार गुजरी और महिला डॉक्टर से मारपीट शुरू कर दी। इस बीच आपाधापी में मितानिन का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रसव कक्ष के भीतर मौजूद महिला कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मामले से आला अफसरों को अवगत कराया गया। महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना को प्रबंधन ने गंभीरता से लिया। प्रबंधन की ओर से मामले की शिकायत सिविल लाइन रामपुर पुलिस में की गई। सोमवार को रामपुर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने प्रसूता के अलावा घटना के वक्त मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं का बयान दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से शुरू आवेदन, 242 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा SSA 2023 यानी PCS एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 1 दिसंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और फीस का भुगतान की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2023 तक है। इसके बाद 2 जनवरी से 3 जनवरी 2024 के बीच उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त विवि से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता, पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना 85 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच। उम्र की गिनती 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। छत्तीसगढ़ के आरक्षण प्राप्त उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 45 साल तय की गई है। उप पुलिस अधीक्षक के लिए आयु सीमा 21 से 28 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, एग्जाम डेट। CGPSC SSE प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की जानी है, जबकि मुख्य परीक्षा 13 से 16 जून 2024 के बीच होगी। फीस, छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को फीस नहीं देना है, जबकि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को 400 रुपए फीस देना होगा।